मोहम्मद उस्मान हैं मुंबई से, देर से वेट कर रहे हैं हकीम साहब से बात करने के लिए। जी मोहम्मद उस्मान जी, बताएं आपको क्या पूछना है हकीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अकोला से, अकोला महाराष्ट्र से मोहम्मद उस्मान बोल रहा हूँ। जी बताएं उस्मान जी, क्या परेशानी? वाले सलाम, वाले सलाम। जी जी अकोला वालों बताइए क्या सवाल है। सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और हकीम साहब आपको सुने फोन पर। जी, सवाल सवाल करने से पहले कुछ बातें करना चाहता हूँ मैं हकीम साहब से। जी जी इरशाद। हकीम साहब काबिल मुबारकबाद है आप। अच्छा किस जो लिए? आपने अपनी जो आपने अपने अतिया अरवल की जानिब से प्रोग्राम ड्राइवर जिंदगी में इनाम का सिलसिला जारी किया है। अच्छा अच्छा, आपको मिला क्या इनाम? जी हाँ, मुझे इनाम मिल चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और मुझे मेरा सवाल ये है। जी बोले। मुझे ठंड सर्दी की एलर्जी है, नाक गाल गला गर्दन पूरा चेहरा पर जैसे जल्द घूमते रहते हैं महसूस होता है। खुजली बहुत होती है, जिसम के जोड़ों के नीचे भी बहुत खुजली होती है, अक्सर रात में ज्यादा होती है, बहुत परेशान हूँ। और इसी के साथ हकीम साहब, मेरे बाएं पैर और दाएं पैर दोनों पर एक्जिमा है, दोनों पंजों पर एक्जिमा है और जब घूमते जैसे भागदौड़ करते महसूस होता है, बहुत परेशान हूँ। इलाज किया है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए फायदा हुआ और खुजली से राहत मिल जाए। जी जी उम्र अपनी बता दीजिए एक बार। ये उम्र मेरी 70 साल है। ठीक, तो देखिए एक दवा मैं आपको बताता हूँ जो आपके वो सारे काम करेगी जो आपने मुझे बताए, जब बीमारियाँ हैं, एक्जिमा है और खुजली है और जितनी भी परेशानियाँ आपने बताई वो एक ही दवा काम करेगी। देखिए जैतून का सिरका ले लीजिए और 4 चम्मच रोज़ाना रात को छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाइए और 1 चुटकी सोडा डाल लीजिए उसमें, खाने वाला सोडा, कपड़े धोने वाला नहीं, जो जिससे खाना बनता है ना, आपकी अहलिया बता देंगी खाना वाला सोडा कौन सा होता है, वो उसमें डाल दीजिए, मिक्स करिए, रोज़ाना 1 मरतबा पी लिया करिए। आपकी तमाम तर बीमारियाँ जुमला जो आपने मुझे बताई उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। यास्मीन नासिक से हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे बात करते हैं। जी यास्मीन बताएं आपको क्या परेशानी है, हकीम साहब से सवाल कर सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं हकीम साहब से पूछना चाहती हूँ, मेरे चेहरे पे बारीक बारीक मसे जी, जिसके लिए हकीम साहब ने एक बार दवाई बताई थी, मैं उस टाइम नोट नहीं कर पाई थी। जी और मेरी एक बहन है जो डिलीवरी हो चुकी है सर, उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है, पसीने में नहाती हूँ और उसका बच्चे को भी 21 दिन का और उसको भी सर्दी है। और सर मेरे आंग, मैं 25 साल की उम्र है और मेरे आंग पे पूरी झुड़ियां ऐसे बूढ़ों की जैसी, नहीं क्या उसके लिए भी कुछ बता दीजिए। अच्छा देखिए पहले आपकी बात करें, इनके सवाल नोट कर लीजिए कभी मैं भूल जाऊं। इनकी बहन का सवाल जी, बीपी हाई रहता है, बीपी हाई रहता है और इनके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए आप मायूस ना हो, जितनी भी ऐसी बच्चियाँ ख्वातीन हैं जिनके चेहरे पर निशानात और जैसे आपने कहा कि बूढ़ी जैसी लगती हूँ, झुर्रियाँ आ रही हैं वगैरह वगैरह, ऐसे सब लोगों का इलाज आसान है लेकिन 2-3 महीने लेना पड़ता है। पहले आपने नोट नहीं किया था तो आप नोट कर लीजिए क्योंकि आप पहले नोट करना भूल गए। धनिया आंवला अलसी, धनिया आंवला अलसी 100-100 ग्राम और मोरिंगा का गौंद 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बनाएं और रोज़ाना आधा आधा चम्मच सुबह शाम पानी के हमरा लिया करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आपकी जो हमशीरा हैं उनको रोज़ाना 4 पीस सुबह 4 पीस शाम लहसुन चबा के खाएं निवाले के साथ, तो
एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ जब आप महीना दो महीना तीन महीना उनको खिलाएं कि उनका बीपी नॉर्मल रहने लगेगा। फिलहाल दवा भी देते रहें, अगर डॉक्टर की दवा चल रही तो वो भी देते रहें, और ये भी आप उनको दीजिए तो आप दोनों अशखास को फायदा होना मुमकिन है। नईम अहमद जौनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी नईम जी बताएं आपको क्या दिक्कत। जी डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहे हैं कि आपकी दवा से तो हमको बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए हमने आपकी कई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरंजान सीढ़ी वाला दवा, पेट वाली दवा और बीमार भूटी वाली दवा और अदरक लहसुन का जूस बताते हैं आप उसको, तो अदरक और लहसुन के जूस से हमको इतना फायदा हुआ कि हमारी सब दवाएं बंद हो गई हैं। तो ये पूछना चाहे कि उसको हम लगातार पीते ना या बंद करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हमको एक परेशानी ये है कि हमारा पेट सही नहीं रहता, हमको लेटरिन कभी सुबह होते ही नहीं, बहुत मुश्किल से बैठने के बाद घंटा दो घंटा आधा घंटा टूट जाते हैं। और एक चीज और लगता है कि सुरंजान सीढ़ी हुई दवा आप बताए थे, हम आपका प्रोग्राम लगभग दो साल से देख रहे हैं, लेकिन अब आप उसमें एक चीज इजाफा कर दिए हैं, मोरंगा भी कौन क्या बता रहे हैं उसमें, तो हम लोग जो दवा बना के रखते हुए क्या ये दवा बेकार हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं जो नुस्खेजात बताता हूँ तो नुस्खेजात जो सवालात मेरे सामने आते हैं उनके मद्देनज़र उनकी क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर देता हूँ और कुछ दवाएं चेंज भी कर देता हूँ। अच्छा, दवाइयाँ सस्ती और महंगी आती हैं, मैं हमेशा सस्ती दवाइयाँ बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया और तकरीबन 60 कमोबेश मेरी उम्र हो गई, तो मेरे जहन में ये आता है कि मैं अपनी मौत से पहले जो भी नुस्खेजात हैं आपको पहुंचा दूं। तो वो दवाई तो आपकी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन उसको और बेहतर अगर करना है तो उसमें मोरिंगा का गौंद आप डाल सकते हैं, और मोरिंगा का गौंद नकली बहुत मिलता है और बहुत मुबारक आपको फ़ायदा होता है। अगर आप उसमें मोरिंगा का गौंद मिला देंगे तो वो उससे 10-20-50 गुना ज़्यादा फ़ायदा करने लगेगी, लेकिन वो नकली बहुत मिलता है, संभाल के लेना। और काफ़ी महंगी दवाइयाँ जो मेरे जहन में हैं तो वो भी मैं आप लोगों पर जाहिर कर देना चाहता हूँ ताकि मेरे बात आप लोगों के पास वो महफूज हो जाए, और आप एक जैसे नुस्खा आप बनाते हैं सीखते हैं, ऐसे मेरे लाखों मोहब्बत करने वाले हैं आप जैसे, तो कम से कम मैं आप तक पहुँचा दूँ। अब जिसके पास जो सस्ती दवा बना सकता है वो सस्ती बनाए, जो महंगी बना सकता है वो महंगी, सबके हालात कम उबेश होते हैं, और दवा अगर कुछ महंगी होती है तो उसके असरात भी उसी तरह होते हैं। जैसे आजकल मैं कई दवाएं नई नई बता रहा हूँ, तो वो आपकी दवा ख़राब नहीं हुई, आप लेते रहिए, और उसको अगर आप शामिल कर देंगे उसमें तो आपका पेट भी ठीक रहने लगेगा। नाहिद भी अलीगढ़ से खातून हमारे साथ मौजूद हैं। जी नाहिद भी, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नाहिद। मैं तो भैया बहुत दिनों से आपके इंतजार में हूँ और कब मुलाकात हो गई हो गई छह सात साल है आपको कॉल करते करते, आपसे बात करना है, आपसे बात करना है। चलिए आज आपकी कॉल लग गई, बताएं। जी मुझे 10 साल से थायराइड है, 12 साल से जी, और मगर मेरे जिस्म में इतना दर्द रहता है डॉक्टर साहब, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझसे ना उठा जाता है ना बैठा रहता है, हर नस में मेरे दर्द रहता है। अगर मैं बर्दाश्त करके डॉक्टर मुझे गोली को मना करता है कि गुर्दे के उतार जाएंगे, तो मैं गोली नहीं खाती, मगर मजबूरी जब भी मुझे एक दिन छोड़ खाना पड़ती है। आप हेल्दी हो रही है क्या? नहीं अब तो इतनी नहीं, वजन कम हो गया बहुत मेरा, 12 साल से मुझे थायराइड है और ये मेरे बिल्कुल आती नहीं। वजन कितना है, वजन कितना है और उम्र कितनी है? उम्र तो मेरी कम से कम 50 के से कम है, अभी दो साल कम है। और वजन? वजन है ना ऐसे होगा 50-60 किलो। ठीक है। अच्छा देखिए, जोड़ जोड़ का दर्द भी जा सकता है, आपने कोई नुस्खा अगर मेरा नहीं लिया है तो वो ले लें, और थायराइड भी आप अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो कई लोगों की कॉल्स ऐसे आते हैं कि उनका थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अमल करने वालों के लिए है। देखिए अगर मुझे कोई बीमारी हो और मैं आपको बता रहा हूँ और मैं ही उस पर अमल नहीं करूँ तो मुझे भी वही हाल रहेगा। अगर आपने नुस्खा नहीं बनाया तो बना लीजिए,
वही खास नुस्खा, धनिया, आंवला, मेथी 200 ग्राम और 150 ग्राम इसमें मिलाइए, मोरिंगा का गौन पाउडर बनाइए, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, पानी के साथ लीजिए। थायराइड की दवा भी लीजिए जब तक आपका डॉक्टर ये कहेगा आने वाले चंद महीनों में कि थायराइड अब आपको नहीं है। जब आप चेक कराएंगे 4-6 महीने बाद, तो आप फिर उनकी डॉक्टर के मशवरे से अपनी एलोपैथिक दवा छोड़ना और हमारे मशवरे से फिर ये घरेलू नुस्खा छोड़ देंगे, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। सैयद आसिफ हमारे साथ हैं चेन्नई से, उनसे बात करते हैं। बहुत देर से हकीम साहब इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। जी बताएं, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आसिफ भाई फरमाइए। हकीम साहब, अभी मेरा जो सीना में रात में बहुत जलन होता है। अच्छा, रात में? हाँ, रात में खाना खाने के बाद खाली थकान ज्यादा आता है, लेकिन नींद नहीं है, 2-3 घंटा तक नींद नहीं आता मेरे को। जी बहुत तकलीफ होता है, इसलिए मैं भी बहुत इलाज कर चुका हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, मैं आपको एक ऐसी दवा बताना चाहता हूँ जो अगर आप आज से शुरू करें तो आज से ही फायदा होने लगे, लेकिन वो मिलती बड़ी मुश्किल से है। और वो दवा ये है कि जैतून का सिरका 3-4 चम्मच छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और ये आप रात को खाने से पहले खाने के बाद पी लिया करिए। जिस दिन से आप लेंगे उसी दिन से आपका ये परेशानी जो गैस, एसिडिटी, कब्ज और बहुत सारे पेट के निज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, आप ये जिस दिन से शुरू करेंगे उसी दिन से आपका खून भी खूब बनेगा, पेट भी खूब ठीक रहेगा, एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी, नींद ऐसी आएगी कि आप सोचेंगे कि ये तो मैं शादी से पहले कभी ऐसा सोता था। शादी के बाद तो आदमी को नींद वींद ज़्यादा अच्छी आती नहीं है। और ये आप शुरू कर दीजिए, आपको अव्वल दिन से फायदा मुमकिन है। बुशरा है बेंगलोर से, खातून हमारे साथ बात करना चाहती है। जी बुशरा जी बताएं। हाँ जी, ये एक्चुअली मुझे बहुत सालों से हाइपोथायरायडिज्म है, तो इसकी घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं आप बता सकते हैं क्या? और कब्ज की भी बहुत बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन जो होता है ना जी, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसलिए क्या आप बताएंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। बुशरा जी अपनी एज बता दीजिए। एज है देखिए अराउंड 48 इयर्स, 50। ठीक ठीक, देखिए ऐसे सब लोग ठीक हो सकते हैं जिनको थायराइड है, लेकिन सब्र 4-5-6 महीने का सब्र चाहिए। और ये चाहिए कि जो दवा आपको डॉक्टर दे रहा है वो खाते रहें, और साथ में जो मैं घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करें। घरेलू नुस्खे में जो धनिया आपके किचन में है, धनिया साबुत धनिया लीजिए, धनिया, आंवला, आंवला भी सूखा मिलता है, धनिया, आंवला, मेथी ये 200-200 ग्राम लें, और मोरिंगा का गौंद बहुत महंगा आता है और ये बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, बाकी गौंद छोटे छोटे आते हैं, बड़ा बड़ा होता है और जायके में खारी, जैसा खारी पानी होता है ऐसा होता है, ये डाल दीजिए 150 ग्राम पाउडर बनाइए, 1 चम्मच सुबह, उस गोली के साथ जो डॉक्टर आपको देता है थायराइड की, और आप एक टाइम 2 गोली खाती हैं तो इसको 2 टाइम खाना, 1 चम्मच रात को भी खाइए, और अगर 4-6 महीने तक आप लगातार लेते हैं तो हर किस्म का थायराइड का ठीक होना मुमकिन है। चलिए बुशरा जी, नुस्खा अपनाएं, उम्मीद करते हैं आपको आराम होगा।